कैसे दोस्तों? तो सबसे पहले हम भारत मूवी की बात करते हैं, तो मूवी स्टार्ट है तो सलमान खान की मूवी है। मैं मूवी देखने गया तो एक्चुअल में सलमान खान की मूवी है, तो सब ये सोचते हैं कि हाँ भाई तड़का टाइप मूवी होनी चाहिए, अच्छे से हैंगओवर टाइप गाने होने चाहिए और एक्शन से भरपूर होनी चाहिए। लेकिन भारत मूवी ऐसी नहीं है। ये मूवी कहा जाता है कि ओ टू फादर की रीमेक है, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने आकर वो मूवी भी देखी, वो बिल्कुल उसका रीमेक ये नहीं है। वो मूवी थोड़ी सी अलग है और ये अलग है। उसमें चार रोल अलग अलग चार लोगों ने करे, लेकिन इसमें सलमान खान ने किए हैं। ध्यान दो तो मूवी में सलमान खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। उन्होंने अपने रोल को पूरी तरह जस्टिफाई किया है। हर पार्ट में, हर अलग रोल में, हर अलग कैरेक्टर में उन्होंने जो रोल किया है वो बहुत अच्छा निभाया है उन्होंने। और हर रोल में एक अलग सा इंसिडेंट दिखाया है। एक्चुअल में ये मूवी जो मुझे लगी पूरी तरह एक भारत, ये आदमी का नाम भी भारत है और ये हमारे देश को भी दिखाता है। सच में एक नया भारत दिखाने की कोशिश किया कि आप इसमें सलमान भाई ने एक आदर्श बेटा, या मैं कहूँ एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय होने को दिखाया कि कितना अच्छा एक भारतीय है, एक भारतीय कितना अच्छा होता है, भारत के लोग कितने अच्छे होते हैं। और भारत ने, सलमान भाई ने भारत मूवी में अलग अलग कैरेक्टर करके मेरे हिसाब से ये दिखाने की कोशिश किया कि भारत कितनी तरह के लोगों से बना हुआ है, कितने सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है, कितने सारे इसमें रंग दिखते हैं। जिस तरह सलमान भाई ने अलग अलग तरह के कैरेक्टर में अलग अलग रंग दिखाए, इसी तरह हमारे भारत में भी बहुत सारे रंग, बहुत सारे तरह के लोग हैं। दूसरी बात, भारत ने, सलमान भाई ने भारत मूवी में एक आदर्श बेटा, या मैं कहूँ एक अच्छा भारतीय होने का फर्ज निभाया, तो वो ये दिखाता है कि हमारा भारत सच में कितना अच्छा भारत है। तो ये है एक नया भारत। अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के मामले में सिर्फ एक आध गाना है जो हमें याद रहता है, जो हमें अच्छा लगता है। बाकी म्यूज़िक में मूवी थोड़ी कम रही, मज़ा नहीं आया म्यूज़िक में। म्यूज़िक उसे कहते हैं कि आप मूवी से बाहर निकलो और आपके मुंह पे बस वो गाना रहे। इसमें ऐसा कोई गाना नहीं था जो आपके मुंह पर रहे और आपको मज़ा आए कि हाँ आप उसे गुनगुनाते रहो। स्क्रिप्ट में मुझे थोड़ी सी कमी लगी, मतलब मूवी में वो मज़ा नहीं आया। सलमान भाई ने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करी, लेकिन थोड़ी सी कमी शायद राइटर की रही है या डायरेक्टर की रही है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मज़ा थोड़ा सा कम आया मूवी में। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो सलमान खान की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्हें देखकर हंसी भी छूटती है। उनके वन लाइनर पंच बहुत अच्छे हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है सलमान भाई और सुनील ग्रोवर की। तो इन दोनों जहाँ भी ये सीन में दोनों रहते हैं वो अच्छा लगता है सीन, मज़ा आता है देखने में। कैटरीना कैफ की एक्टिंग की बात करें तो कैटरीना कैफ सिंपल सी लड़की रही, अच्छी लग रही है देखने में। लेकिन नॉर्मल सीन अच्छे हैं उनके, कॉमेडी सीन भी अच्छे हैं। जहाँ इमोशंस की बात है तो वहाँ वो थोड़ी सी कमज़ोर रही हैं। और बोलने में अब की बार उन्होंने अपनी हिंदी में कोशिश तो की है, लेकिन एक्सेंट की कमी होने के कारण, हालांकि इतनी बुरी नहीं है जितनी नरगिस फाकरी रॉक स्टार में थी। मूवी में नोरा फतेही है, दिशा पतानी है, और सच में दिशा पतानी 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 क्यों है, बस एक गाना है उसमें आती और फिर चली जाती है। समझ नहीं आता है कि क्यों है। नोरा फतेही का भी एक छोटा सा रोल है कि बस थैंक यू रोल है और क्या। और भारत मूवी में एक और भारत पाकिस्तान के जो रिश्तों में कड़वाहट है उनको भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की है। एक सीन, मतलब लास्ट में सीन है कि भारत और पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर दोनों अलग अलग चैनल एक दूसरे के प्रति कितने सपोर्टिव हैं, कैसे एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की है। मूवी फैमिली से रिलेटेड है, फ्रेंड से रिलेटेड है। इसमें दिखाया है कि कैसे एक दोस्ती और एक फैमिली किसी इंसान के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसको अपने दोस्त, अपनी फैमिली के लिए किस तरह निभाना चाहिए, वो किस तरह रहना चाहिए, वो इस मूवी में पूरी तरह दिखाया। मूवी इमोशनल है, ड्रामा है, कॉमेडी है। हाँ, फर्स्ट हाफ में आप देखोगे कॉमेडी के दो चार पंच हैं, बहुत अच्छे हैं, वन लाइनर्स पंच बहुत अच्छे हैं, आपको हंसी भी आती है, आपको याद भी रहते हैं। बाकी मूवी की स्टोरी में थोड़ी सी कमी है। एंड तक आते आते जो मैं क्लाइमैक्स है मूवी का, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। बस ये दिखाया गया है कि आप एक फैमिली के प्रति कितने जिम्मेदार हो। सलमान खान अपने बस एक ड्रीम को, अपने फादर को फॉलो करते हैं और चलते हैं, मूवी इसी तरह बढ़ती जाती है। और अगर मैं बात करूं कि सलमान खान की मूवी, तो भाई सलमान खान की मूवी देखने जब जाते हैं तो एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है। तो भारत से भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये देशभक्ति सी मूवी होगी, एक्शन होंगे,
लेकिन ये मूवी एक फैमिली टाइप मूवी है, फैमिली ड्रामा टाइप मूवी है, देशभक्ति मूवी नहीं है। हालांकि मूवी में एक सीन है कि जब वो बहुत बड़ी सी स्पीच देते हैं सलमान भाई, और अचानक से जनगणमन गाने लगते हैं, तो सच में हॉल में भी कुछ लोग खड़े हो गए थे जनगणमन के प्रति। वो सीन अच्छा लगा, मतलब अच्छी सी फील आई कि हाँ भाई जनगणमन गा रहे हैं तो देश आज भी सच में सब सब एक साथ हैं। लोग मूवी में जनगणमन सुन रहे और यहाँ पर खड़े हो रहे, तो एक अच्छी सी फील आती है अंदर से कि हाँ हम भारतीय होने पर सच में गर्व होता है। मूवी में लिव इन रिलेशन को भी पॉजिटिव दिखाया गया है, लिव इन रिलेशन के बारे में बात की है। हालांकि मूवी काफ़ी बैक से स्टार्ट होती है, 1947 से और 2010 तक चलती है, तो इसमें लिव इन रिलेशन को भी प्रमोट किया गया है। आप देखोगे मूवी में तो आपको महसूस होगा कि कैटरीना कैफ और सलमान भाई एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। भारत मूवी एक मैसेजिंग मूवी है, ये हमेशा बस ये दिखाती है कि आप अपने डेस्टिनेशन, अपने एम की तरफ बढ़ते जाओ, आपको वो मिलेगा। आप पॉजिटिविटी बनाए रखो और किसी भी एम, किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अपनी हार्डवर्क के साथ अगर चलोगे तो आप उसे अचीव कर सकते हो। तो मूवी का मैसेज भी भारत मूवी का यही था कि बस आप हमेशा अच्छे रहें, आप अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ते रहें और अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क करते रहें। जिस तरह सलमान भाई ने अलग अलग तरह के जॉब्स करी और अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ते गए, वो एज के साथ उन्होंने अलग अलग जॉब की, अलग अलग जॉब पर उनके साथ अलग अलग इंसिडेंट हुए, कहीं अच्छे मतलब हंसी के थे, कहीं लड़ाई के थे। हालांकि मूवी में एक्शन की कमी थी, जैसे सलमान भाई की मूवी होते ये दिशुम ढाड़ दूम, ये उस मूवी में नहीं था। एक ही सीन था कि जब उसे कोई अटैक करते हैं सलमान भाई पर, तो वो बाइक राइडर आता है तो सलमान भाई एक हाथ से बाइक पकड़ लेते हैं, बाइक घूमती रहती है, फिर दूसरा राइडर आता है सलमान भाई लात मारते हैं और वो बहुत दूर हवा में उड़ता चला जाता है, बस एक ही सीन है। तो मैं कहूँगा कि मूवी में एक्शन की कमी थी, मूवी में म्यूज़िक सच में थोड़ा सा कम लगा, कि म्यूज़िक वो होता है कि आप मूवी से बाहर निकलो और आप गाने गुनगुनाते रहो। राइटर ठीक है, मूवी सलमान भाई की एक्टिंग सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन राइटर और डायरेक्टर में कहीं ना कहीं कमी थी। तो फाइनली मैं बस ये कहूँगा कि मूवी ठीक है, आपको एक बार देखनी चाहिए, मैं इसे 3 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। तो बस थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।